भारत पर तगड़ी धन वर्षा करवाने वाला है भारत करा गगनयान मिशन। भारत की जमीन छोड़ो, बाहर भी भारत तैयार कर रहा है कमांड सेंटर। गगनयान मिशन की सक्सेस बना देगी भारत को नासा की टक्कर वाला देश। दोस्तों, इस वक्त भारत अंतरिक्ष में इस रफ्तार से आगे जा रहा है कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ मिलकर खुद को अंतरिक्ष में आगे ले जाना चाहते हैं। हर देश किसी न किसी तरह से भारत से जुड़ना चाहता है, जबकि भारत भी दुनिया भर से सहयोग करके अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को बेहद मजबूत बनाना चाहता है। भारत ने पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों से अच्छे रिश्ते बना रखे हैं, जिसका फायदा हर मामले में मिलता रहता है। अंतरिक्ष के मिशन को भी इसका फायदा मिल रहा है। जहां अमेरिका भारत को तमाम मामलों में तकनीकी सहयोग देना चाहता है, वहीं जापान और भारत साथ मिलकर मिशन चंद्रयान में काम कर रहे हैं। इधर अब मिशन गगनयान पर एक धमाकेदार ऐलान हुआ है। यूं मानकर चलिए कि भारत का जो असल मकसद है इस मिशन को कंडक्ट करने का, जो प्लानिंग भारत ने स्पेस को लेकर बन रखी है, वो पूरा इस मिशन पर टिका है। यूं मानकर चलिए कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, भारत पर भयंकर तरीके से धन वर्षा होने लगेगी। भारत पर इतना ज्यादा पैसा बरसेगा कि संभले नहीं संभलेगा, जिससे भारत का इसरो ब्रह्मांड की बाकी जगहों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा। और ये मकसद है स्पेस टूरिज्म का, जिसकी योजना भारत अमेरिका के समानांतर बना चुका है। यानी जो काम अमेरिका फिलहाल कर रहा है, वही काम भारत का इसरो भी कर रहा है। तभी तो खुद अमेरिका भी भारत के इस मिशन पर बारीकी से नजर रख रहा है। इस मिशन का सक्सेस होना सीधे तौर पर अमेरिका को टक्कर देगा, इसीलिए इस मिशन सफल बहुत जरूरी है। तभी तो भारत ना सिर्फ अपनी जमीन पर, बल्कि भारत के मित्र देश हैं, वहां पर भी अलग अलग तरह के सिस्टम सेट कर रहा है, ताकि इस मिशन में कोई गलती ना हो। इसी क्रम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही एक अहम सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, जिसे ट्रैकिंग स्टेशन कहा जा रहा है। हम आपको इस ट्रैकिंग स्टेशन की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही गगनयान भारत की इकोनॉमी को लेकर किस तरह से मददगार होगा, ये सब बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर नजर रखने के लिए बनाए जाते हैं ट्रैकिंग स्टेशन। भारत ने कई मित्र देशों में बना रखे हैं ऐसे स्टेशन, अब ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। मिशन गगनयान को पूरा करने के लिए भारत ने तेज किया अपना स्पेस प्रोग्राम। दरअसल ट्रैकिंग स्टेशन का इस्तेमाल लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्षयान या फिर सैटेलाइट पर नजर रखने के लिए किया जाता है। भारत ने कई देशों में अपने ऐसे ट्रैकिंग स्टेशन बना रखे हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई गए थे। ये देश भी भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम में मदद करता है। ब्रुनेई में भी भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बना रखा है। भारत का मिशन गगनयान बेहद खास है। भारत इसे हर हाल में कामयाब बनाना चाहता है, इसी वजह से इस पर नजर रखने के लिए जरूरी चीजें पूरी की जा रही हैं। गगनयान मिशन का इम्पोर्टेंस भारत के लिए इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि भारत इस मिशन के बाद अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। अंतरिक्ष स्टेशन के क्या फायदे होंगे और गगनयान इसमें क्या रोल निभाएगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया में गगनयान का ट्रैकिंग स्टेशन क्यों बना रहा है। गगनयान की सेफ्टी के लिहाज से भारत सरकार ने इस मिशन को और एडवांस बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है, जिससे इसकी कामयाबी में कोई दिक्कत न आए, जबकि अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों की जान को कोई खतरा न हो। इसी वजह से नए ट्रैकिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसरो ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद कोकोस आइलैंड पर अस्थाई ट्रैकिंग बेस बनाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इस द्वीप का दौरा कर चुकी है। ये जगह ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसरो इसके लिए कोकोस आइलैंड पर तमाम जरूरी सुविधाएं विकसित करेगा। वहीं क्वाड देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया भी आगे बढ़कर भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि यहां से गगनयान की ट्रेजेक्टरी पर पूरी नजर रखी जा सकती है। टेलीमेट्री और कंट्रोल्स को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी इसरो के साथ इस मिशन में जुड़ना चाहती है, जिससे अंतरिक्ष में दोनों देश एक दूसरे की मदद करें। क्वाड देश इस तरह के तमाम सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीते वक्त में इन देशों के बीच तमाम नजदीकियां देखी गई हैं। गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया इमरजेंसी की हालत में भी भारत की मदद करेगा, उसके लिए मजबूत प्लान बनाए जा चुके हैं।
अगर किसी वजह से एस्ट्रोनॉट को मिशन बीच में छोड़ना पड़ा या क्रू रिकवरी हुई तो उनकी वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद करेगा। कोकोज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा से थोड़ा बाहर हिंद महासागर में मौजूद 27 छोटे कोरल द्वीपों का समूह है। इनमें से सिर्फ दो द्वीप वेस्ट आइलैंड और होम आइलैंड पर लोग रहते हैं। यहाँ करीब 600 लोग हैं। इस द्वीप का सारा रखरखाव ऑस्ट्रेलियाई सरकार करती है। गगनयान मिशन के लिए इसरो रिले सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, जिससे कि पृथ्वी के चारों तरफ से गगनयान से संपर्क किया जा सके, उस पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा जीसैट सैटेलाइट्स के जरिए संपर्क में भी रहेंगे। ये सैटेलाइट्स स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से अमेरिका से ही लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को पूरा करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए भारत स्पेस तकनीक में मचा देगा बवंडर। गगनयान मिशन भारत के लिए स्पेस में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसी वजह से भारत हर हाल में इसे कामयाब बनाना चाहता है। इस मिशन की कामयाबी के बाद जहां अंतरिक्ष टूरिज्म के दरवाजे खुलेंगे, वहीं भारत के अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने में मदद मिलेगी। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन भी एक तरह का ऐसा यान होता है जो लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में होता है और इसमें तमाम अंतरिक्ष यात्री मौजूद होते हैं, जबकि गगनयान भी ऐसा ही यान है। बस ये अंतरिक्ष स्टेशन के मुकाबले कम वक्त तक अंतरिक्ष में मौजूद रहेगा। गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में इंसानों को रखने के लिए तमाम तकनीकियों को हासिल कर लेगा। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेस स्टेशन को उसी जगह पे स्थापित किया जाएगा जहां तक गगनयान पहुंचेगा। इसी वजह से भारत के लिए गगनयान मिशन बेहद खास है। ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारतीयों को भेजा जा रहा है। भारत किसी भी हालत में अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसी वजह से तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, जबकि भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन को भी तैयार कर रहा है। वहीं अपने तमाम एस्ट्रोनॉट्स को रूस, अमेरिका जैसे देशों में ट्रेनिंग दिलवा चुका है। अमेरिका भारत के अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने में तकनीकी मदद देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जान चुका है कि भारत को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी वजह से भारत के इस मिशन में मदद देकर भारत को अपने फेवर में लेने का सही वक्त है। भारत के लिए भी ये अपनी तरह का पहला मिशन है, इस वजह से वो अमेरिका का एक्सपीरियंस इसमें इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो खुद के दम पर ही अपना मिशन पूरा करने में लगा है। इसरो ने तमाम बड़े मिशन अंतरिक्ष में बना रखे हैं, जिनकी कामयाबी भारत को दुनिया में नंबर 1 बना देगी, क्योंकि भारत का प्लान तो चांद से भी मिनरल्स हासिल करने का है। इसी वजह से वो पहले चांद पर इंसान को भेजने की तकनीक भी हासिल कर रहा है और इसके लिए मिशन फिक्स कर दिया गया है। गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन ऐसे मिशंस में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अंतरिक्ष यान के जरिए भारत उन सारी रिसर्च को कर पाएगा जिन्हें अभी तक केवल अमेरिका जैसे ताकतवर देश ही अंजाम देते रहे हैं। फिलहाल केवल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन ही स्पेस में मौजूद है, लेकिन अब जल्द ही भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद होगा। ये भारत की स्पेस में बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष मिशन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।